हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए छलपन। कैसे हैं आप लोग। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। इंडिया में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट करना चाहते हैं, आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की किल्लत की वजह से वो अपनी पढ़ाई को कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं। अगर वो एजुकेशन लोन लेने जाते हैं तो बस उनको बैंकों के चक्कर ही काटने पड़ते हैं, लेकिन एजुकेशन लोन अप्रूव नहीं हो पाता है। इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसे पोर्टल के बारे में बताऊंगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जिसके जरिए आप लोग घर बैठे ऑनलाइन ही एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और घर बैठे ही आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे पर्सनली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया हुआ वीडियो का लिंक चेक करें, उसे आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो जिस पोर्टल का मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है विद्यालक्ष्मी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसके जरिए कोई भी स्टूडेंट्स, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स या कोई सर्टेन कास्ट को दिया जा रहा है, सभी स्टूडेंट्स जो भी इंडिया में हायर स्टडीज करना चाहते हैं या अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहते हैं वो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा चीज नहीं बताया गया कि आपका इनकम इतना कम होना चाहिए तब आपको मिलेगा, या आप माइनॉरिटी से होना चाहिए या ओबीसी से होना चाहिए, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी स्टूडेंट्स हो जो हायर स्टडीज करना चाहता है तो वो लोग एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये चलाया जाने वाला इनिशिएटिव है। इसके बारे में मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देख लो इग्नू में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी इवन इस एजुकेशन लोन में अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल से। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे चैनल पे 90% स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो इग्नू में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर कॉमन प्रोस्पेक्टस में देखोगे इग्नू का तो उसमें भी विद्यालक्ष्मी पोर्टल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सारा चीज के बारे में डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से एजुकेशन लोन आप लोग को मिल सकता है, प्लस स्कॉलरशिप के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तब भी विद्यालक्ष्मी पोर्टल के जरिए आप लोग को स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, ठीक है। तो इग्नू के स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अदर्स जितने भी फील्ड के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहते हो या एमबीए करना चाहते हो या अदर फॉरेन में स्टडीज करना चाहते हो, उनके लिए भी एजुकेशन लोन आप लोग को मिल जाएगा ऑनलाइन ही, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग को इस वेबसाइट पे आना होगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके बाद से आने के बाद से पहले आप लोग वेबसाइट को पढ़ सकते हो चाहो तो, सभी बैंक जो जो भी बैंक इसके साथ रजिस्टर है उसका सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स को मिला हुआ है एजुकेशन लोन उन्होंने भी कोई मैसेज लिखा हुआ है, उसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हो चाहो तो। तो सबसे पहले आप लोग को इस वेबसाइट पे आना होगा, आने के बाद से यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोग को एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, वहां पे अपना डिटेल फिलअप करना है। याद रखना नेम वही फिलअप करना है जो आपके टेंथ के मार्कशीट में दिया हुआ है, वही नेम यहाँ पे फिलअप करना है। स्पेलिंग में कोई भी गलती मत करना। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वही डालना जो कि अभी एक्टिव हो, क्योंकि वहां पे एक वेरिफिकेशन का मेल आएगा, ठीक है। उसके बाद से पासवर्ड क्रिएट कर लेना, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद से कैप्चा पुट कर लेना। कैप्चा पुट करने के बाद से यहाँ पे आई एग्री के ऊपर आप लोग क्लिक नहीं कर सकते, पहले यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है वेबसाइट क्लिक रैप, इसके ऊपर आप लोग पहले क्लिक करोगे, उसके बाद से आई एग्री के ऊपर क्लिक करोगे, फिर सबमिट करोगे तो आपका जो पोर्टल है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने से पहले आपके ईमेल आईडी पे, जो भी आपने यहाँ पे ईमेल आईडी दिया होगा, वहाँ पे एक लिंक जाएगा, उस लिंक के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा आप लोग का पोर्टल। और जैसे पोर्टल एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद से आप लोग लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन करोगे तो वहाँ पे जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पे आपको पुट करना होगा। जैसे पुट कर लोगे तो आप लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया हुआ है। जैसे ही आपने कैप्चा फिलअप कर दिया तो लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद से कुछ इस तरीका का डैशबोर्ड आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। और उसके बाद से यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन दिया हुआ है, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन स्टेटस, एडिट प्रोफाइल अगर आप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे ग्रीवियंस यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस करना कर रहे हो आप लोग तो यहाँ पे ग्रीवियंस में आप लोग उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। तो हम लोग पहले लोन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक चीज डिटेल में सही से पढ़ लेना, ठीक है। कोई भी चीज फिलअप करना तो पहले सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या देना है, क्या क्या जरूरी है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, हर एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है। पहले आप लोग वो चीज को अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद से फॉर्म फिलअप का हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। पहले ये चीज पहले फिलअप कर लेना, सॉरी
पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद से बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको बताना है कि आप हायर स्टडीज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितना का आपको लोन लगेगा वो यहाँ पे फिलअप करना। उसके बाद से जो इंस्टीट्यूट है वो नेक से एग्रीगेटेड है या नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पे जो भी आपका रहेगा यस और नो वो आप कर देना। उसके बाद से पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को फिलअप करना होगा। यहाँ पे अपना नाम याद रखना, नेम का स्पेलिंग में कोई भी गलती मत करना, चाहे फादर्स का नेम हो चाहे मदर्स का नेम हो, सभी जो आपके डॉक्यूमेंट में होगा वही यहाँ पे फिलअप करना। डेट ऑफ बर्थ सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप करना, मेटेरियल स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका हाईएस्ट है वो लिखना। उसके बाद से उसके बाद से इनकम सोर्स, कितना इनकम है, ऑल सोर्स जितना मिला के कितना इनकम है एनुअली वो यहाँ पे लिखना होगा। पैन डिटेल लिखना होगा, एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद से ये जब पूरा फिलअप कर लोगे, लेकिन फिलअप करने के बाद से भी क्रॉस चेक एक मरतब कर लेना, कोई भी गलत जानकारी इसमें मत देना। उसके बाद से प्रेजेंट बैंक, कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है वो डालना, क्योंकि आपका उसी में जो लोन है वो सैंक्शन होगा, तो यहाँ पे उसके बारे में पूरा डिटेल देना होगा। आपके पेरेंट्स का भी यहाँ पे देना होगा। उसके बाद से ये जब फिलअप कर लोगे, फिलअप करने के बाद से कोर्स डिटेल देना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, ठीक है, अगर आपका किसी भी कोर्स में एडमिशन हुआ है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वो मेरिट बेसिस पे हुआ है या मैनेजमेंट कोटा पे हुआ है, वो भी चीज़ यहाँ पे लिखना होगा। कितना साल का कोर्स है वो लिखना होगा। अगर आप लोग एब्रॉड में हो तो वो भी लिख सकते हो। उसके लिए भी पहले यहाँ पे सर्च करना होगा कि कौन से इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो क्लिक हेयर फॉर इंस्टीट्यूट डिटेल, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक अलग सा पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद से आपको बोला जाएगा कि आप इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हो या एब्रॉड में, कहाँ पे आपने एडमिशन लिया, तो वहाँ पे जहाँ पे आपने एडमिशन लिया होगा जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिस भी कोर्स में, तो वो आप फिलअप करना, सबमिट करना। यहाँ पे इंडिया में सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे स्टेट पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं इग्नू के स्टूडेंट्स को एक मरतबा एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूँ। तो इग्नू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे मैक्सिमम इग्नू के ही स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपका इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर दिया। दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट नेम लिखना होगा, तो यहाँ पे मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से कौन सा कोर्स, तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल के तौर पे एमसीए लिख रहा हूँ, ठीक है। एमसीए करने के बाद से सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा अगर वो इंस्टीट्यूट इस लिस्ट में रहेगा, तो यहाँ पे देख लो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिस्ट में है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। सेलेक्ट करोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। सबमिट होने के बाद से यहाँ पे अपना सारा डिटेल लिखना होगा कि कब से क्लासेस स्टार्ट हुआ, कब खत्म होगा, ये सारा चीज़ फिलअप कर लोगे। उसके बाद से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फाइनेंस डिटेल यहाँ पे जाना होगा, और वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में बताना होगा, यानी कि आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लिए हो या किस जो भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लिए हो, उसका ट्यूशन फीस क्या है, एग्जाम फीस क्या है, बुक्स में कितना खर्चा लगेगा, हर एक चीज़ का डिटेल आपको बताना होगा। क्यों आपको इतना लोन की जरूरत है उसके बारे में तो बैंक इन्फॉर्मेशन लेंगे ना, तो वहाँ पे आपको सारा डिटेल बताना होगा कि कितना आपको पैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे किस तरीके से आप पेमेंट रिफंड करोगे, ठीक है, लोन किस तरीके से चुकाओगे, वहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन देना होगा। ये करने के बाद से अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। यहाँ पे मैक्सिमम साइज 2 MB रखा गया है। देखो नॉर्मली इस जो भी डिटेल है वो तो आपको फिलअप तो करना होगा लोन लेने के लिए ना, तो जो आपको बैंक में जाके बैंक का चक्कर लगाने का जो झंझट था वो सारा चीज़ नहीं है। आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन ही सारा चीज़ फिलअप कर सकते हो, सारा डॉक्यूमेंट भी अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद से सब वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में देखो मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा, प्रूफ ऑफ एडमिशन जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है उसका एडमिशन का प्रूफ देना होगा, प्रूफ ऑफ इनकम, सारा यहाँ पे डिटेल फिलअप करना होगा। सब कुछ करने के बाद जब सबमिट कर दोगे तो आपका ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद से उसके बाद से आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना होगा कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक अभी पहुंचा है, ठीक है। जब लोन अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे आपको स्टेटस शो करेगा, मैंने यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव नॉट येट अप्लाइड टू एनी लोन, ठीक है। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आपका स्टेटस शो करेगा कि आपका अभी प्रेजेंटली स्टेटस क्या शो हो रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग चेक करते रहना, जो भी होगा बैंक की तरफ से ही आपको मैसेज आएगा, ईमेल के द्वारा आपको बताया जाएगा, तो आप अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर उसको एक्टिव रखना, जहां पे सभी डिटेल बोला जाएगा या बताया जाएगा आप लोग को। और मे भी ये भी हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा प्राइस का अगर लोन होगा तो बैंक आपको फिजिकली भी बुला सकता है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग जा सकते हो। लेकिन लोन अप्रूव करने में वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जस्ट आपको वेरिफिकेशन के लिए या अदर्स डॉक्यूमेंट के लिए वो सब चीज़ के लिए बैंक बुला सकता है, और कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, इस तरीके से आप लोग फिलअप कर सकते हो और आपको भी घर बैठे एजुकेशन लोन अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सारी डिटेल बताना चाह रहा था। इसके अलावा अगर आप लोग इस पोर्टल पर अगर आओगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप कितने सारे मिलते हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। यहाँ से आप लोग ये भी पता कर सकते हो कि कौन कौन सा
स्कॉलरशिप मिलता है, आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, हर एक चीज़ के बारे में इसमें जानकारी दिया जाता है, तो उसके बारे में भी आप लोग पता कर सकते हो इस पोर्टल पे आने के बाद। और इसमें मैंने आज ये इसलिए बताया, हालांकि इसके बारे में मुझे बहुत पहले से ही पता था, लेकिन क्योंकि आज इग्नू ने अपने जो प्रोस्पेक्टस जारी किया है, प्रोस्पेक्टस में भी इस पोर्टल के बारे में जिक्र किया, इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो इग्नू के ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हो, प्रोस्पेक्टस का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, किस तरीके से आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, हर एक चीज आप लोग इजीली से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर फॉर्म फिलअप करने के दौरान कोई भी डाउट अगर आप फेस कर रहे हो, तो आप मुझे बेझिझक कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक कीजिएगा, तो वहां से पता चल जाएगा कि कैसे कॉल करना है। और आप लोग अगर और मैं कॉल पे अगर नहीं मिल पा रहा हूँ, या कॉल पे अगर आप लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, और अदर्स आप कमेंट में भी अपना डाउट पूछ सकते हो। तो यही सब था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे, थैंक यू सो मच।